हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय माईट्यूब चैनल एम एस मैं जहां अपलोड करता हूँ बी एस सी एम एस सी मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक फॉर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स दैट इज द वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन इट्स प्रॉपर्टी एंड एग्जाम्पल्स सो बेसिकली इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन पर आप हमारे सारे वीडियोज प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल कवर दीज ऑल ऑफ टॉपिक ऑल टॉपिक्स ओके ना so हो बात करते हैं सबसे पहले वेरियंस के बारे में सो so, वेरियंस समझने से पहले आपको थोड़ा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वॉट इज द मीन मीन क्या होता है सो इट इज नथिंग बट अगर हम बात करें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की एंड इट इज़ म्यू एंड म्यू इज नथिंग बट फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लाइक आई इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी दैट इज द एक्स आई पी ऑफ एक्स आई वेयर पी ऑफ एक्स आई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल ियबल okay. ओके बात करते हैं वेरियंस के बारे में वेरियंस क्या होता है सो वेरियंस इज डिफाइंड एज अक स्क्वाड डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन सो इट इज नथिंग बट स्क्वाड डिफरेंस बिटवीन दैल्यू ऑफ स्क्वास बिटवीन द वैल्यू ऑफ देर एक्सपेक्टेशन इट मीन वेरियंस जो होता है वो क्या होता है मीन जो होता है ना वो मैंने आपको बताया मीन की अगर मैं बात करता हूं सो मीन इज नथिंग बट म्यू ओके मीन इज इक्वल्स टू म्यू एंड देट इज ई टू दावर सॉरी ई एक्स नॉट ई टू दावर ई एक्स ओके एंड वेरियंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं वी ए आर वेरियंस एंड वेरियंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट डिफरेंस लाइक वॉट इज द डिफरेंस वॉट काइंड ऑफ डिफरेंस लाइक एक्स आई माइनस म्यू लाइक वेरियंस लाइक एक्स यानी कि रैंडम वेरिएबल माइनस मीन डिफरेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड मीन ठीक है इज उसका जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता है उसका स्क्वायर लाइक डिफरेंस का स्क्वायर का जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता है दैट इज नथिंग बट वेरियंस नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं सिंपल इसको हम यहां पे लिख सकते हैं म्यू जो होता है वो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के इक्वल एक होता है सो वी कैन राइट एज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वन ओके इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इट इज नथिंग बट हमने म्यू को ई एक्स से रिप्लेस कर दिया है अब बात करते हैं फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है Continuous के लिए कैसे फाइंड करेंगे वो बताऊंगा पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए इसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरियंस जो है वो आपके पास में ये है यानी कि अगर मैं बात करता हूँ वेरियंस ऑफ एक्स दैट इज एक्स माइनस ई ऑफ एक्स एंड होल स्क्वायर नाउ अब हमारे पास में आई इक्वल्स टू वन टू इंफिनिटी

डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया बस सिंपल सा नाउ अब क्या हो जाएगा यहां पे दैट इज इक्वल्स टू यहां पे अगर मैं इस टर्म की बात करता हूँ सिंपल सा ये जो टर्म है इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ये इक्वल्स वन हो जाएगा एंड इट इज नथिंग बट मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इसको म्यू या ई एक्स कह देंगे ओके सो वी कैन राइट इजीली फ्रॉम हेयर लाइक इट इज it is the mathematical expectation of x square plus e of mu square into 1 minus 2 mu square because it is mu and it is also minus mu square so e x square so 1 minus 2 that is minus of mu square and mu is nothing but e of x then we can write e of x square minus e of x whole square इट इज द वेरियंस ऑफ एक्स आई ओके ये सिंपल साइज का आपको फार्मूला मिल गया फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अब अगर हम बात करें इसके ही यहां, यहां पर हम अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में कंटिन्यूस रैंडम वेरियबल की बात करते हैं यहाँ पे तो कंटिन्यूस रैंडम वेरियबल में बस इंटीग्रेशन हो जाता है फंक्शन का ठीक है कंटिन्यूस रैडम वेरिएबल के लिए फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है क्या हो जाएगा अगर हम बात करें इसके फंक्शन के इंटीग्रेशन की तो दैट इज नथिंग बट लाइक इंटीग्रेशन फॉर हम बात करते हैं फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा यहां पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लाइक ए टू बी या माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ए टू बी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं पूरे का माइनस इनफिनिटी टू इंफिनिटी पी ऑफ एक्स एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर सो ये क्या हो जाएगा फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरी वल नाव आगे बढ़ता है अब आता है हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ओके नाव वेरियंस फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ओके वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे नाउ कम टू देशन स्टैंडर्ड डेविएशन को समझते हैं स्टैंडर्ड like, डेविएशन क्या होता है सिंपल सा इसके पहले डेफिनेशन को समझते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज दॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ डेविएशन

So, variance, so we can write sigma square e of x square minus e of x whole square. Okay, so it is sigma square. And if sigma is equals to like variance root, root of variance, or it's positive root, may plus minus down the positive, it means sigma is equals to root of e of x minus e of x whole square. So, this is nothing but. करेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा नाउ कम टू दी प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी से इज दैट इफ के इज अ कॉन्स्टेंट देन वेरियंस ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो प्रूफ हम एक, एक के प्रूफ को समझेंगे अगर मैं बात करता हूँ वेरियंस ऑफ के वॉट इज दिस के लाइक ई के स्क्वायर माइनस ई ऑफ के होल स्क्वायर नाउ के इज अ कॉन्स्टेंट वी कैन टेक लाइक आउटसाइड ओके सो दैट इज बेसिकली के ई, ओके, दैट इज के स्क्वायर ई एंड इट इज नथिंग बट ओके के स्क्वायर ई वन माइनस

इज ऑल्सो वन ये तो इसका स्क्वायर है इसलिए ये पे इसका स्क्वायर हो जाएगा वन और ये वन होता ही है तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस वन सो इट इज वन माइनस वन एंड दिस इज ज़ीरो दिस इज द कांस्टेंट का जो वेरिएंस होता है वो ऑलवेज ज़ीरो होता है नाउ कम टू दि नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका भी हम यहाँ पे प्रूफ देखते हैं इफ ए इज ए कॉन्स्टेंट दैन वेरियंस ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स वी कैन सॉल्व दिस variance of AX is equals to E of AX like E of AX and is ka whole square minus E of AX total ka whole square ho jayega okay so we can write E of A square X square minus we can take A as uh, outside as a constant and this is whole square. सो so, यहां से अगर मैं इसको बाहर लिखूंगा तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर ये हो जाएगा x माइनस इसमें से भी क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर इट मीन ए वी कैन टेक ए स्क्वायर कॉमन एंड e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर एंड इट इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ वेरियंस सो ये हो जाएगा वेरियंस बार ऑफ x सो दिस इज द second property now come to the third property third property says that if uh, variance of x plus a is equals to like a is a constant then variance of x plus a is equals to variance of x simple so uh, like uh, how can we prove this so is com prove garata simple simple uh, by the definition of variance like it is the x plus a whole square minus ईफ सॉरी ए प्लस एक्स लाइक एक एक्स प्लस ए की बात है एंड इसका स्क्वायर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं वी हैव अ लाइक एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स प्लस एके ये हमारे पास सिंपल होता है बिकॉज ई वन वन जो होता है वन होता है ई वन इज इक्वल टू वन सो नाओ दिस इज नथिंग बट ई ऑफ़ एक्स प्लस ए हॉल स्क्वायर एंड दैट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई ऑफ वन प्लस टू ए ई ऑफ एक्स एंड इसको भी अपन ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स हॉल स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस दैट इज माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा टू ई एक्स प्लस ओके माइनस टू ई एक्स प्लस ए माइनस टू ई एक्स इं टू ए सॉरी नॉट प्लस इन टू ए सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं देखो कुछ कैंसिल हो रहा है अगर हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ पर भी ये ई और ये वैसे ये और ये टर्म कैंसिल ही हो रहा है ना ये भी वन होता है ये भी वन होता है एंड और क्या कैंसिल हो रहा है इसकी बात कर लेते हैं तो ये और ये कैंसिल हो रहा है सो इट इज़ नथिंग बट ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स एंड इट्स होल स्क्वायर एंड दिस इज द दियंस ऑफ एक्स सिंपल ओके ऐसे करके हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर बिल्कुल ईजिली प्रूव कर सकते हैं ना आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास में आता है फोर्थ प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी से इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देन ऑफ इज नथिंग बट दिस ओके इंडिपेंडेंट होने चाहिए और ये एग्जिस्ट करने चाहिए सिंपल आगे बढ़ता है अब हमारे पास में एक एग्जाम्पल है हम इसके लिए वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों फाइंड कर लेंगे ताकि हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ तो वेरियंस इज नथिंग बट ई ऑफ एक्स ये इसका ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर ई ऑफ एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर नाउ हेयर ई ऑफ एक्स इज नथिंग बट म्यू एंड दैट इज द समीशन ऑफ एक्स सॉरी फॉर आई इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी एक्स आई पी ऑफ एक्स आई वी हैव एक्स आई And P of Xi both, and the standard second formula, and third formula, like it is nothing but sigma square, and third formula is that sigma is equals to root of variance. Now, come to the question, we can easily solve this question. First of all, we have to find EX. Now, EX is here, like uh, mean, EX is nothing but zero into. 1 by 8 plus 1 into 3 by 8 plus 2 into 3 by 8 plus 3 into 1 by 8 and this is 3 by 2. Okay. And similarly, E of x square that is 0 square 1 by 8, this is variance like a random variable and probability. 1 square 3 by 8 plus 2 square 3 by 8. 3 square 1 by 8 and it is nothing but 3. Now we have the value of uh, variance. We have the value of variance and that is okay, let me check it mm, 3 by 8 plus 4 into 3 by 8 plus 9 into 1 by 8. So we can take 8 as a LCM and 3 plus 12 plus 9 okay so basically uh, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा ये 15 25 24 by 8 okay and this is 3 okay right this is right okay now अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमें यहाँ पे calculate करना है variance of x is nothing but sigma square E of, minus, um, e of x square minus E of x square minus E of x whole square. It means we have to calculate that uh, 3 minus 3 by 2 whole square. It means 3 minus 3 minus 9 by 4. And that is 4, 12 minus 9. And that is three by four. Okay, e is guys, answer simple. And now we have to find the value of the variance, uh, standard deviation. This is variance and second standard deviation. So standard deviation is nothing but sigma is equals to root of three by four is equals to this is sigma square. Okay, and that is the. रूट थ्री बाई टू एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा सो so, इस एक से हम पूरा अच्छे से समझ सकते हैं पूरे कॉन्सेप्ट्स को सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो कीप वॉचिंग एम एस मैथ्स एंड इज इट एपके फॉर मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बाय